दोस्तों नमस्कार। हम अपने पिछले वीडियो में देख रहे थे कि आईओटी सिक्योरिटी वाला टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि थ्रेट्स क्या होती है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, रिस्क क्या होती है। अभी हम धीरे धीरे थ्रेट को, वल्नरेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, है ना। और हम देखेंगे कि मतलब किस तरीके से इन सब चीज़ों को से ओवरकम किया जा सकता है। तो दोस्तों इश्यूज़ भी हमने देख लिए थे पिछले वीडियो में, हमने कुछ कुछ कंटेंट देखा था। अब हम अटैक्स के बारे में जानेंगे, लेकिन अटैक के बारे में जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ऐसी कौन सी गुड प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी कौन से तरीके हैं जिनसे कि आप किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी को या किसी भी तरह के थ्रेट को आईओटी सिस्टम से रिलेटेड जो होते हैं उनसे उनको आप अवॉइड कर सकते हो या उनसे उनको कैसे बच सकते हैं, है ना। तो उन सब को देखने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो मैं एक एक करके सबको कवर कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब आईओटी जो सिस्टम होता है तो वो बेसिकली मतलब मेमोरी और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सिस्टम्स में इनकी मेमोरीज को अब हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू भी जाएंगे। तो एमपीयू को इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये डिज़ाइनर के हाथ में है। एमपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट। आप सिस्टम को इनक्रिप्ट करोगे तो साथ में इस चीज़ को भी इंटीग्रेट कर दो, जिससे कि मेमोरी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो सारे बंद हो जाएंगे। आप अपने सिस्टम को, क्योंकि हम जब सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम जनरली डीबग मोड पर रहता है। डीबग मोड का मतलब होता है कि वो मोड जिस पर आप उसको प्रोग्राम रीप्रोग्राम कर सकते हो। तो आप हम क्या करते हैं, हमको हमेशा इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब एक बार ये आर्डिनो जैसे बोर्ड है या रसबेरी पाई बोर्ड है उसको हमने एक बार प्रोग्राम कर दिया, तो आप उसको किसी भी उसका डीबग मोड या उसका एक्सेस सीधे सीधे डिनाइड कर देना, कि कोई डेवलपर हो चाहे नहीं हो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते अंटिल अनलेस योर ऑथोराइज पर्सन। तो उसके प्रोग्रामर्स परस्पेक्टिव से डीबग को हम डिसेबल करके रखते हैं, डिसेबल डीबग फैसिलिटी, ठीक है, कब, बिफोर लॉन्चिंग दी प्रोडक्ट। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, आप डेवलपर्स मोड को आपको इनेबल करना पड़ता है, तो डेवलपर मोड ही बेसिकली डीबग होता है। वहाँ पे डीबग ऑप्शन हो जाता है ना, मिलता है हमको। आप देखेंगे कुछ कुछ होती हैं एंड्रॉयड की ऐप जो सीधे गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलती हैं, लेकिन उसकी एपीके फाइल यदि आपके पास है तो आप उसको इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करो और सीधे उसको उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि गूगल उसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपने उसको दूसरे तरीके से इंस्टॉल किया, ठीक है। सेम क्या होता है, आपको उन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। तो आप बहुत हद तक क्या रहेंगे, डेवलपर्स मोड को स्टॉप करके रखेंगे, डेवलपर्स मोड शुड बी ऑलवेज डिसेबल। इसी तरह से इसमें तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि आप जो है क्रिप्टो सर्विसेज का इस्तेमाल करें, रिड्यूस क्या करेंगे, बल्कि मैं बोलूँगा ट्राई टू रिड्यूस, है ना, फिजिकल अटैक्स। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, क्रिप्टो सर्विसेज को यूज़ करिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप बहुत सारे जो अटैक्स हैं आप उनको CRYPTO अटैक्स को अवॉइड कर सकते हैं ना, क्रिप्टो इम्प्लीमेंटेशन। अटैक्स क्या होते हैं, अब आप ये भी अब अटैक्स देख रहे हैं, टर्म यहाँ पे आ गया। अटैक्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई बॉट ये कोई मशीन, आइदर अ ह्यूमन और अ मशीन, जब वो हमारे किसी रिसोर्स को, विच इज़ अगेन अ मशीन और अ डिवाइस, और वो इंटरकनेक्टेड आईओटी डिवाइस है, को एक्सेस करने की कोशिश करता है ना, और बिना ऑथराइजेशन के वो ऐसा करने की कोशिश करता है, तो वो एक वायलेशन ऑफ प्राइवेसी माना जाता है और उसी को ही आप अटैक कहते हो, ठीक है। तो अटैक की डेफिनेशन भी हो गई,
इसके बाद हमने तीन ये भी देख लिए, यहाँ तीन नहीं यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फिर आप क्या बोलोगे कि क्योंकि आप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को यूज़ करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन चैनल सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल होता है ये आपके हमेशा ऑन होने चाहिए, DTLS या TLS, ठीक है। तो डी के केस में हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ठीक है। ये है वो प्रोटोकॉल जिसके बारे में बात कर रहा था मैं अभी। तो TLS जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और DTLS डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इसका जो RFC होता है ये आप दोस्तों देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग RFC है। इसका RFC है 6347, RFC 6347, इस तरीके से आप इसको देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपने अभी तक क्या किया, आपने उसके अपने डिवाइस की मेमोरी को प्रोटेक्ट करा, आपने उसको डेवलपर्स मोड को बंद कर दिया मार्केट में लॉन्च करने से पहले, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, आप क्रिप्टो सर्विसेज का यूज़ करके उसको अवॉइड करने की या कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस जो है इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बेसिकली क्या होता है, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन अलग अलग चीज़ है। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने मतलब आपने वो पासवर्ड डाला जिस पासवर्ड से आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में मैंने आपको ऑथराइज कर दिया किसके लिए, कि आप उसको एज अ यूज़र यूज़ कर सकते हो, आप एज अ सुपर यूज़र यूज़ कर सकते हो कि नहीं। तो ऑथेंटिकेशन के रिस्पॉन्स के हिसाब से ही ऑथराइजेशन मिलता है ना। जनरली लोग क्या बोलते हैं कि दोनों एक ही शब्द है, एक ही जैसे हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में फ़र्क है। तो इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका आपको जिस लेवल की परमिशन होगी सिस्टम की, वह आप उसी तरह उसी ऑथराइज वही सब आपको मतलब आप पहले उसको आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, उसके हिसाब से मैं ये देखूंगा कि आप एडमिन यूज़र हैं है ना, या जनरल यूज़र हैं, किस तरह की यूज़र हैं, तो उस आपका ऑथराइजेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, आप इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि सिस्टम हमेशा अपडेट रहना चाहिए। तो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट जो है ये इनेबल होना चाहिए, ठीक है। अभी जनरली इसको लोग आगे से ये भी गलत तरीके से भी लेते हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ा मिथ है। क्या सोचते हैं कि अरे हमारा सिस्टम को हम क्यों अपडेट करें, हमारा सिस्टम अच्छा चल रहा है, हो सकता है कि मैं इसका इसको ऑटोमेटिक अपडेट पर ऑटो अपडेट पर लगा दूं और कोई हैकर आके मेरा सिस्टम को हैक कर लेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम आपने उसको जब उसको आप किया ना, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स ऑलरेडी इनेबल रहते हैं, आप डालते नहीं फिर भी वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि आप ब्लूटूथ यूज़ करोगे तो ब्लूटूथ पूरा प्रोटोकॉल रहेगा उसमें ऑलरेडी, सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी उसमें काम कर रहे होते हैं जैसे ही आप ब्लूटूथ इनेबल करते हो, क्योंकि वो स्टैक तो ऑलरेडी आपने सीधे सीधे अडॉप्ट किया। ईथरनेट करोगे तो उसमें उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहेंगे, OS के अपने खुद के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहते हैं। तो हमेशा ये सुविधा ये हमेशा ऑटो इनेबल रहनी चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। तो आप और भी चीज़ें कर सकते हो कि जो एक रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन बोल वो क्या बोलते हैं, एक RFC में था ये, मैंने देखा था, फॉलो की लेंथ रिकमेंडेशन है कि आपका, जैसे आप देखोगे जब आप पासवर्ड रखते हो तो वो क्या बोलते हैं कि आपके पासवर्ड में दो स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, दो अपर कैप के होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, और मिनिमम 8, 10, 12 जिस भी लेंथ का होना चाहिए। तो बेसिकली ये रिकमेंडेशन वो क्यों करवाते, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन है 11-बिट सिमेंटिक की के इक्वलेंट होना चाहिए, इक्विवेलेंट, ठीक है। जब इसके इक्वलेंट है तब आपका पासवर्ड एक अच्छा पासवर्ड बना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ यही चीज़ों का पालन करेंगे तो हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो और भी कुछ अदर्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, और भी चीज़ें हैं जो जिनका
आप कंसीडर कर सकते हैं और वो कंसीडर करना भी चाहिए। जैसे कि है ना, जैसे आप क्या कर सकते हो, जो डिज़ाइन पैटर्न है ना, आप क्या कर सकते हो उसको फॉलो कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लर्न फ्रॉम अटैक्स। एक बार यदि अटैक हो गया तो आप उसको एनालाइज करो, उसको समझो कि आखिर हुआ कैसे और उससे कैसे बचाया जा सकता है। तो आप फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी लर्निंग हो गई है और आप उस हिसाब से अपने सिस्टम को जब डेवलप करोगे, डिज़ाइन करोगे, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करो। उसके बाद क्या आप क्या करोगे, फॉलो डिज़ाइन प्रैक्टिसेस। ऑलरेडी जो रिकमेंडेड डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हैं आप उनको फॉलो करिए। जैसे कि हमने देखा कि कोआप में उसकी अपनी खुद की डिज़ाइन प्रैक्टिस है, आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, रेस्टफुल एपीआई को यूज़ करते हैं, रेस्टफुल एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं, तो किस तरह से करना चाहिए, क्या उनकी खुद उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप, उनकी जो डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हैं यदि आप उनको फॉलो करोगे तो आपका सिस्टम बहुत ही कम वल्नरेबल होगा। और साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, फॉलो सिक्योरिटी रिकमेंडेशन। अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि रहता है, जैसे कि IETF एक संस्था है, जिन ये सब हम पहले देख चुके हैं इनके फुल फॉर्म, तो मैं इनको दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। NIST है, ठीक है, WWW है, इस तरह से बहुत सारी हैं, है ना, अमेरिकन एसोसिएशन था, एस्पायर थी, ये भी देखा था हमने। तो ये अलग अलग संस्थाएं हैं, मेरे को लगता है IETF और WWW ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनको फॉलो करेंगे, सिर्फ इनको ये देखो कि आप जब IoT डिवाइस बना रहे हो और उसको उसको यू नो वायरलेस बना रहे हो, स्पेसिफिकली लोकल लोकल कम्युनिकेशन के लिए बना रहे हो, जिसमें आपका आपने मतलब कम्युनिकेशन सेलुलर कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं करा, सिर्फ लोकल कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करो। और साथ ही साथ में लर्निंग के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसको कहते हैं थ्रेट एनालिसिस, ये करिए। थ्रेट एनालिसिस बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका एक एग्जांपल है, वो मैं इस पर पूरा अलग से वीडियो ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये लोग इग्नोर कर जाते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि आप RFC 3552 को ज़रा एक बार चेक करिए। तो मतलब ये टेक्निकल सेमी टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, ये बताता है कि आप किस किस तरह के अटैक्स होते हैं, किस किस तरह की सिक्योरिटी मिल सकती है, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ये तो मेरे को लगता है कि यूज़र की जानकारी के लिए सबसे बढ़िया रिसोर्स होना चाहिए। तो ये 4-5 पॉइंट ये थे, इसके पहले हमने गुड प्रैक्टिसेस भी देख ली और एक्सटेंशन में ये सारी चीज़ें देख ली, मोटे तौर पे क्या क्या होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि आज के वीडियो के लिए, गुड प्रैक्टिसेस के लिए इतना ही बहुत है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ अटैक्स और टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ कैसी होती हैं, क्या होती हैं, और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।